आइए हमारे फर्निश घर में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी चलो सब कुछ ढूंढेंगे। तो गाइस आप घर का टूर तो आप वैसे देख ही चुके हैं, पर इस बार आपको फर्निश घर का टूर कराते हैं। तो चलो मैं कमर इन, तो यहाँ से आप गेट से एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही आपको मिलेगा घर, सारा घर। तो आपको पहला कमरा दिखाते हैं। पहला कमरा है मेरा ऑफिस रूम, जो मैंने शिल्पा से हथियार लिया, शिल्पा से छीन छीन लिया, मैंने चोरी कर लिया। तो फाइनली गाइस मेरा ऑफिस रेडी है। याद है वो वाली टेबल जो मैंने कैलिफोर्निया में ली थी, जो सेटअप करी फिर खोल दी वापस से, अब फिर से सेटअप करी, तो फाइनली मेरा ऑफिस तैयार है। ये शटर भी लगा रखा है मैंने यहाँ पे, चेयर खरीदी रिसेंटली, चेयर भी असेंबल करके सेट है, प्रिंटर सब सेट है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है इस रूम में वो है ये बदी का बाजन। तो बस ये बेसिकली ये मेरा ऑफिस का रूम है। ये बाहर रोड है जहाँ से एंटर करें वही है। तो बड़ी मेरे साथ ही बैठता है यहाँ पर, क्योंकि तो बड़ी यहाँ बैठ के ना बाहर देखता है तो उसको अच्छा लगता है। तो लेट्स गो दूसरे कमरे में सोते हैं। आइए अब मैं आपको अपने डाइनिंग रूम दिखाता हूँ। ये तो गाइस ये है डाइनिंग टेबल, वाह। और ऑब्वियसली चेयर्स भी है उसके साथ, और इसके नीचे ना खाना खाने का मजा कुछ और है, पर हम खाते नहीं है यहाँ पे, पर मजा कुछ और है। एक बार ही खाया था, जब खाएंगे ना हमें मजा आएगा। तो हमें नहीं नहीं आया तो था जब वो आपकी फ्रेंड्स आए थे। हां एक बार खाया मैंने यहां पे। तो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल है, पर डाइनिंग नहीं करते इस पे, डाइनिंग वो अंदर करते हैं लिविंग रूम में। और यहाँ पर एक फैक्ट्री है, और यहाँ पे डॉगी है, रियल डॉगी है, यहाँ पे एक रियल डॉगी है, एक क्यूट डॉगी है। तो आ जाओ फिर, चलो चलो। ऑलराइट, तो उसी से हम वहाँ से डाइनिंग रूम से आएंगे। तो अब तो लिविंग रूम और बैकयार्ड बाद में दिखाता हूँ, किचन लिविंग रूम और बैकयार्ड बाद में दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितने कमरे हैं। दो कमरे यहाँ पर, तो मैं आपको दोनों कमरे दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक लॉन्ड्री रूम भी है, गैराज भी है, वो सब दिखाता हूँ मैं आपको। तो आ जाओ किस तरह दिखा दूंगा ना। अच्छा पहले हम आपको लॉन्ड्री रूम दिखा देते हैं। ये है दो लॉन्ड्रीज, ये है वॉशर, ये है ड्रायर, और यहाँ से आता है गैराज। बंद क्यों है? ये बड़ी का फेमस फेवरेट रूम है गैराज। क्यों? क्योंकि इसमें कार खड़ी होती है, कार है, और यहाँ से हम जाते हैं। एक कार पार्क है, पीछे हमारे चार अप्लायंसेज हैं, फ्रिज, फ्रीजर, वॉशर, ड्रायर हमारे इसमें पैक्ड है एज इट इज, खोले भी नहीं हमने। बस ये ट्रेडमिल है, यहाँ पे शिल्पा ट्रेडमिल करती है, और कुछ नहीं है। चलो अगले कमरे में चलते हैं। ऑलराइट, सो इस वाले रूम में आते हैं, ये है गेस्ट बेडरूम। तो गाइस जब भी आप में से कोई आएगा, मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए। एक गेस्ट बेडरूम आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। अगर आप एक बेडरूम से ज़्यादा है, अगर यू नो अगर दो तीन लोग हैं जो एक रूम में नहीं आ पाएंगे, तो हम आपको लिविंग रूम में चला देंगे। पर यू आर वेरी वेलकम। यहाँ पर भी तो है। तो ये क्वीन बेड, पर अभी तक तो कोई नहीं सोया, अभी तक कोई नहीं सोया, एज इट इज सेट है। तो आइए और इसका मुहूर्त कीजिए बेड का, वरना यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर है शिल्पा का ऑफिस रूम। लाइट थोड़ी सी कम है, ऋषि तो दिन में काम करती है तो चलता है उसको। ये उसका बैकयार्ड का व्यू है, यहाँ से उसको घास के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और शिल्पा का ऑफिस, एक कंबल उसको हमेशा चाहिए, क्योंकि उसको गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे आग बरस रही हो, उसको ठंड हमेशा लगती है, ठंड बहुत लगती है शिल्पा को। ये शिल्पा की टेबल बाय द वे कितनी अच्छी है ना, प्यारी सी है यार। हमने वो ए नहीं निकाला, वहाँ ए क्यों लिखा हुआ है टेबल पे? ए किधर है? ए, ए फॉर एप्पल, इसे तुम्हें याद रहेगा ना, ए फॉर एप्पल होता है इसे याद रहेगा। ये बड़ी का बेड है, बाय द वे ये एक्चुअल बड़ी का बेड है, क्योंकि कोई आते नहीं और हमारे घर में नहीं नहीं, क्योंकि सारा टाइम जब मैं काम करते बड़ी यही बेड रहता है, या तो यहाँ पे या तो वो विंडो पे रजत के पास। अरे किसी को घर है भाई, क्या नाम मेरे बेड पे की बैठे हो? ओले 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 ओले। चलो अब हम आपको बाकी कमरे का टूर देंगे।
पर जल्दी दे देंगे ये बाथरूम क्योंकि बहुत भारी है बड़ी, तो मैं ज्यादा टूट नहीं दे पाऊंगा ऐसे। तो गाइस ये है गेस्ट बाथरूम, यहाँ पर सिंक है, एक पॉट है और पीछे नहाने के लिए टॉवल। नहीं नहीं नहाने की बात नहीं करेंगे, मुझे भाग जाएगा मतलब। ओके गाइस कम ऑन, अब हम आपको दिखाते हैं एक हमारी पुरानी थोड़ी सी फोटोज हैं और मेरे पेरेंट्स हैं इसमें, मैं हूँ, बड़ी को उठाया हुआ है, छोटा सा बड़ी भी है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी जूम सी फोटो होगी जो मैं छोटा नहीं कर पाया तो मैं ऐसे लगा दी क्योंकि उसमें देखो ना भैया का सर कटा हुआ है, इसमें को बेचारे मेरे भाई का सर कट गया फ्रेम से बाहर हो गया तो, और ये भी प्रिंटिंग प्रॉब्लम गाइस, थोड़ा सा माफ़ कर देना मुझे, जूम नहीं कर जूम आउट नहीं कर पाया मैं तो ऐसे लगा दी मैंने। तो आ जाओ मैं आपको किचन दिखाता हूँ, यहाँ रजत कुकिंग करते हैं। ये रजत की किचन में आपका फिर से स्वागत है गाइस, पहली बार आपका स्वागत किया था जब मैंने एमटी हाउस टूर बनाया था, तो ये है एक सेंटर टेबल आइलैंड। अच्छा गाइस ये आइलैंड है, ये हमारे पिछले घर में नहीं था तो हमें ये छोटा सा आइलैंड भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ्रिज हमें रेंटल घर में मिला है, हमारे लैंडलॉर्ड ने लिया है। ये इलेक्ट्रिक ओवन है, कुक टॉप, और नीचे स्टोव है। नहीं उल्टा बोल रहे हो, नीचे ओवन है, ऊपर इलेक्ट्रिक स्टोव टॉप है। तो गाइस नीचे ओवन है और ऊपर कुक टॉप है इलेक्ट्रिक, तो बड़ा मस्त है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, और ये दो तीन चीजें शिल्पा लेके आई है, ये बटर की और चीनी भी नहीं रखने की, ये अच्छी लग रही है देखने में। थोड़े से गंदे बर्तन भी है वो मत देखना। ओके और सब सही है, बढ़िया। कैसा हाउस टूर है, मतलब क्या दिखाऊं है, ये भी सही है, सही है, ये सब डाल देना। हाउस टूर दिखाते दिखाते ये क्या हो गया, हाउस टूर नहीं दिखाया जा रहे मेरे से यार। अच्छा अब आगे, ओके गाइस लेट्स गो टू लिविंग रूम। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा टीवी की लाइट्स, ये देखो हमने ना इसके टीवी के पीछे लाइट्स लगा रखी है, तो जब टीवी चलता है ना तो टीवी के सीन के हिसाब से वो चेंज करती है लाइट, क्योंकि इसमें कैमरा भी है। तो अभी टीवी बंद है पर यू नो जैसे अगर सी आएगा, यू नो आसमान आएगा तो ब्लू ब्लू लाइट हो जाएगी, गार्डन आएगा या जंगल आएगा तो ग्रीन ग्रीन लाइट्स हो जाएगी, उसके हिसाब से चेंज करते तो अच्छा लगता है। बाकी मेरा होम थिएटर तो ऑलरेडी सेट है यहाँ पर, और बड़ी की ग्रेट, बड़ी को बहुत पसंद है, ये आया बड़ी अपना नाम सुनते आ गया, बड़ी ग्रेट, बड़ी की ग्रेट है, चल जाओ इसको बहुत पसंद है इसको ना, ये मुझे तो लग रहा है गलती करके नहीं लेके, पूरे दिन इसमें बैठ रहे थे बाहर नहीं आता, क्या बंद कर दो आप, चल जाओ। और गाइस ये तो आपने देखा ही था, गाइस ये तो आपने देखा ही था क्रिसमस ट्री और जो डेकोरेशन दी थी मैंने इस वीडियो में, तो ये हमारा सोफा यहाँ पे लग गया, ये भी आप देख चुके हैं हमारी वीडियोस में, तो पूरा हाउस टूर पहले हो चुका है काइंड ऑफ हो चुका है। आप क्या दिखाओ चलो, चलो अब आपको बेडरूम दिखाता हूँ यार, पैंट्री पैंट्री रहनी है उसको, अच्छा पैंट्री इसलिए दिखाना क्योंकि इसके अंदर लाइट है, सब दिख जाएगा मेरे हमारे पास क्या क्या है, प्रोटीन के डब्बे है गाइस, ये है मेरी तंदुरुस्ती का राज, चलो गाइस ये है हमारा कितना हो गया 1 2 3 फाइनल बेडरूम है हमारा, फोर्थ बेडरूम, और ये हमारा मास्टर बेडरूम है, किंग साइज बेड हमारा, और ये बड़ी का बेड है, वैसे बड़ी का बेड हम यहाँ पे लगाते हैं, बड़ी हड्डी हट जा, अच्छा 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 और ऐसे सोता है बड़ी हमारे साथ, हमारे बेड के आगे बड़ी का बेड, तो हम साथ में ऐसे चिपक के सोते हैं हम सब लोग। और ये हमारा ड्रेसर यहाँ पे सेट हो चुका है, ये हमारा है दो सिंक वाला बाथरूम, और यहाँ पर एक बाथटब है, बाथटब अभी तक हमने यूज नहीं किया, पता नहीं कब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंडिंग शॉवर है ऑलरेडी, तो स्टैंडिंग शॉवर में इजी है ना, ना जाओ फटाफट से नहा के आ जाओ, इसमें कौन इतना पानी डालेगा, बट यू नो यू हैव ऑप्शन,
ये है हमारा क्लोजेट, वॉक इन क्लोजेट। सामने हमने मंदिर भी बनाया हुआ है और बहुत सारे कपड़े टंगे हैं। लेफ्ट मैंने लेफ्ट ले लिया इस बार ही, मैंने शिल्पा को कहा शिल्पा लेफ्ट साइड मेरी है, कुछ भी हो जाए मैं और भी बिल्कुल ले लूँगा तुम्हें, तो राइट साइड शिल्पा की है। यहाँ पर एक पॉट भी है, तो छोड़ो मैं क्या दिखाता हूँ, यहाँ पर पीछे पॉट है और यहाँ पर फिर से बड़ी है, क्यूट बड़ी है। और गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ बैकयार्ड, तो हम चलेंगे यहाँ से। बड़ी नाच रहा है पहले ही, क्योंकि बड़ी को पता है बड़ी क्या है यहाँ पे, बैकयार्ड बैकयार्ड पूछ चल रही है घंटे। दरवाज़ा खोलो, अच्छा बड़ी कह रहा है डॉग लैंग्वेज में दरवाज़ा खोलो, तो हम यहाँ से खोलते हैं दरवाज़ा। बड़ी बाहर में जाइयो, आप बाहर में जाइए बड़ी, ओके नहीं बैठ। और गाइज तो ये है हमारा बैकयार्ड, शाम का टाइम है अभी, तो सनसेट आप देख सकते हो, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये पीछे पार्क है, यहीं से दरवाज़ा खोलो बैकयार्ड का, पार्क में जाओ वॉक करो घूमो फिरो, मज़ा आता है बड़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, ये घर का साइड का पार्ट है और ये हमारा एंटायर बैकयार्ड। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, और यहाँ पे गैलरी वगैरह भी आ जाती है, तो बड़ी बिल्कुल एक्साइटेड रहता है, बड़ी भाई साहब देख रहे हैं अंदर से। और राइट दूसरी साइड का बैकयार्ड दिखाता हूँ, गुड थिंग इसकी घास है ना, तो यहीं पे रोल पुल करते हैं हम, तो बड़ी के साथ बड़ी को भी बहुत मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा साइज़ का है। और ये हमारा घर बाहर से बैकयार्ड की तरफ से, रेंटल हाउस ऑफ कोर्स, ओके लेट्स गो। चलो बड़ी अंदर लेके चलो सबको, चलो लेट्स गो गाइस। ये था हमारा हाउस फर्निश इस बार ही, पिछली बार तो आप एम्प्टी तो देख ही चुके हैं, और फर्निश भी आपने थोड़ा थोड़ा तो यू नो इधर उधर की वीडियोस में देख लिया होगा। घर कैसा लगा मुझे बताना कमेंट्स में। मुझे अचानक से याद आया पिछली वीडियो भी मैंने शायद इसी टी शर्ट में बनाई थी, आपको पता है ना ये वाला टी शर्ट मुझे कितनी पसंद है। तो इसी बात पे वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।